हेलो बच्चों, मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का वेलकम। सभी ध्यान देंगे, आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के सेकंड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बातें बताई, किस तरह से पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है अपन को, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी में आगे बढ़ते हैं। मैंने वहाँ पर आव्यूह की परिभाषा आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। एक बात हमेशा याद रखें, जब यदि आपको टॉपिक समझना है तो आपको कंटिन्यू लेक्चर लेने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेकंड लेक्चर को अटेंड कर रहे हो और आपने फर्स्ट नहीं लिया हो, तो आप जब भी क्लास लो फर्स्ट से लेकर के ही आपको चलना है, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। एक एक वन बाई वन आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए ध्यान दीजिए और समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं यहाँ पर और चलते हैं। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैट्रिसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? जिसे हम आव्यूह के नाम से जान रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल रिलैक्स से, जिसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स का क्रम। क्या बोलेंगे बच्चों? मैट्रिक्स का क्रम, अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो बच्चों, किसी आव्यूह का क्रम उसमें उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन होता है। बात समझ में आई? क्या बोलना चाह रहा है मैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं बात करूं अगली डेफिनेशन की, जैसे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि की बात करूं मैं, तो मैंने कहा यदि यदि बच्चों यदि ए बराबर नहीं यदि मैं बात करूं किसके लिए बच्चों, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एम तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो m क्रॉस n उस आव्यूह का या उस आव्यूह की कोटि कहलाती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है ना, वो क्या होती है? जो पंक्ति और स्तंभ है उन दोनों का गुणनफल उसकी कोटि होती है। क्रम में क्या होता है? फिक्स है आपका कि पहला तो पंक्ति होगी, पहली पंक्ति और उसके बाद स्तंभ। एम क्या होगा यहाँ पर? पंक्ति, और एन क्या होगा? स्तंभ। ठीक है, तो मैंने किसकी बात की आप लोगों से बच्चों? मैंने बात की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का क्रम उसमें उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल होता है। क्लियर है बिल्कुल? अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। देखो बच्चों, एग्जाम्पल लिया मैंने बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, ए कोई मैट्रिक्स है आप लोगों के पास, दो है, तीन है, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस, ये कोई मैट्रिक्स है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ध्यान दो आप लोग सभी बच्चों, क्या ध्यान दोगे कि कितनी तो पंक्तियाँ और कितने स्तंभ है। देखो, तीन पंक्तियाँ तीन स्तंभ, तो बताओ थ्री क्रॉस थ्री की हो गई मैट्रिक्स, होगी कि नहीं होगी? जैसे यहाँ तो समान है, ये तो क्या हो गया इसका ऑर्डर, और इसकी जो कोटि होगी वो क्या हो गई? थ्री क्रॉस थ्री। देखो भाई बच्चा, बताओ यहां पर मैं बोलू एम क्रॉस एन,
एम क्रॉस एन कोटि, यहां हम लिख रहे हैं एम क्रॉस एन कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या हमेशा कितनी होती है बच्चों, एमएन। बात समझ में आ रही है? मतलब जो आव्यूह होता है ना उसमें कुल अवयवों की संख्या, टोटल अवयवों की संख्या कितनी होती है, एमएन होती है। जैसे गिनो गिनो कितनी, इसमें कितनी है, 3x3 का है ना, तो बताओ कितने अवयव होंगे, 9। गिन लो 1 2 3, वो तो पूरे के पूरे ही हो रहे, यहां से कोई अंग छोड़ दिया, 1 2 3, एक नहीं है ना, इसलिए 3 3 6 और 3 9। समझ में आ रही बात आपको? तो सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन, पंक्तियों और स्तंभों का गुणनफल, गुणन। और बात करूं मैं यहां पर ऑर्डर क्या होता है, वो मैंने आपको बताया 3x3 एम क्रॉस एन क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। एक और चीज आपके सामने आई बच्चों, वो क्या आई, यहां पर ध्यान से सुनेंगे कि अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या जो होती है बच्चों वो क्या होती है आपकी, एम एन, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों का गुणनफल, वो क्या होता है आपका, अवयवों की संख्या। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को देखो आप लोग यहां पर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई नई बात नहीं दिखा रहा मैं आपको। मैंने बोला यहां पर देखो, मैंने यहां पर जो बोला उस चीज को ध्यान देना, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, 2 3 4 5 7 8, ये कोई मैट्रिक्स है, बताओ पहले तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है। तो देखो क्रम का मतलब हो गया, पहले पंक्ति आएगी, तो पंक्तियाँ गिनो, 1 2 3, तीन पंक्तियाँ हो गई ना, 3x2 की मैट्रिक्स है। ये हमेशा याद रखो बच्चों कि पहले पंक्ति लिखा जाएगा और बाद में स्तंभ लिखा जाएगा। तो दिखाई दे रहा होगा पंक्तियां कितनी हैं, 3 है ना, अरे भाई देखो यही तो है रो, R1, ये कितनी है R2, और ये कौन सी है R3, और स्तंभ कितने हो गए, C1 और C2। क्लियर है बिल्कुल? तो आप बताओ अच्छे से पता है आपको, पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, तो पंक्ति पहले आती है तो 3x2, इसका क्रम पता चल गया, समझ में भी आ गया होगा। अब मैं बोलूं इसमें अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या किसके अंदर, अवयवों की संख्या बच्चों, अवयवों कितना होगा, 3 2 6, गिन लो 2 2 4 2 6, तो यही तो बोला मैंने, अवयवों की संख्या क्या होगी, एमएन होती है, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणन होता है ना वो अवयवों की संख्या होती है किसी अवयव की। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब मैं ऑर्डर ऑफ इसकी बात करूं तो वो आप ज्ञात कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत ही अच्छा टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार पूरा पूरा फोकस बोर्ड पर रखिए, अवयव के प्रकार क्या है। देखो बच्चों अलग अलग अवयव के प्रकार है जिन्हें हम वन बाई वन पढ़ेंगे, तो आप रिलैक्स से ध्यान देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स से पढ़ाया जाएगा आपको। जरूरी नहीं होता एक क्लास ज्यादा लग जाए, लेकिन टॉपिक पूरा क्लियर होगा। जैसे मैं ये पूरा, ये टाइप्स पूरी होगी उसके बाद तुरंत क्वेश्चन है आपके 3.1 के, तो वो पूरे अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, वन बाई वन एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो है टाइप्स वो देखिए वो क्या है, वो है आपकी रो मैट्रिक्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसे हम पंक्ति के नाम से जानते हैं, पंक्ति आव्यूह इस नाम से हम जानेंगे बच्चों। यहां पर ध्यान देंगे पंक्ति आव्यूह क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पंक्ति आव्यूह क्या है, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने, रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ऐसा आव्यूह
जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। बताओ बच्चों, क्या बोला मैंने बच्चों? पंक्ति आव्यूह क्या होता है ये बताओ। पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो। अब सुनो, पहली बात तो देखो आप लोग कि जब आप लिखो या पढ़ो उस टाइम आपका जिस जगह बैठे हो वहाँ पर आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है? यदि डिस्टर्बेंस है तो आप लोग क्या करें, ईयरफोन लगाएं। नहीं है तो आप एकांत बैठ के तरीके से आप पढ़ाई करें तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसे क्लास महसूस होगी। बस शर्त है कि आप लोगों का पढ़ने का तरीका कैसा है, वो डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बच्चों, ए आपने देखा 2 3 4, आप खुद देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है बताइए। रो कितना है इसमें, रो कितनी है बताइए? एक ही तो है, कितनी है भाई? एक। बताओ स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3, दिख रही है आपको? तो कितनी होगी? 1 क्रॉस 3। तो मैंने क्या बताया बच्चों, याद है अभी, कि ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या बोला मैंने कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाता है बच्चों? पंक्ति आव्यूह। तो बताओ ये किसका एग्जांपल हो गया? पंक्ति आव्यूह का। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है यदि आप लोग समझो तो। नाम से स्पष्ट हो रहा है रो मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, एक पंक्ति हो तो क्या हो गया? पंक्ति आव्यूह। जैसे कहा जाए स्तंभ आव्यूह, अगली परिभाषा, ठीक है? तो अगली परिभाषा लिखते हैं हम, कॉलम आव्यूह। सेकंड, जिससे बोलेंगे हम स्तंभ, क्या बोलेंगे बच्चों? क्या होता है स्तंभ आव्यूह, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। सिंपल सी बात है, तो क्या बोलूंगा मैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। क्या बोला मैंने? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल यदि मैं लेना चाहता हूं तो सुन लीजिए एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे दी मैंने, ठीक है, और 3 4 5। अब आप खुद देखिए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, सोच के देखें आप लोग भाई इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, ठीक है? गिन रहे हो आप कितने हैं? एक है। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ कितने हैं? एक, ठीक है? और पहले थोड़ी आएगी स्तंभों की संख्या, स्तंभ है यहाँ पर कितने, पंक्तियाँ कितनी है? 3 क्रॉस 1। अब वही बात आ गई, स्तंभ आव्यूह का मतलब हुआ कि ऐसा आव्यूह जिसके अंदर क्या हो, एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। क्लियर हो रहा होगा? बिल्कुल तरीके से आपको ध्यान देना है और एक एनर्जी लेकर के पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सुस्त होकर के पढ़ें, जितना एनर्जेटिक होकर के आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा समझ में भी आता है और उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन भी कर पाते हो। देखो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो जारी है, स्कूल वगैरह जहाँ भी जा रहे हो आप वहाँ पढ़ाई आपकी हो रही है और वो कीजिए। मैं केवल आप लोगों को क्या करूँगा, जो बेसिक कोई डाउट रह गया वो सारी चीज़ें आपकी इन क्लासों में दूर हो जाएगी और 100% आप ला पाओगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, स्तंभ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे में, नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स क्या है, या फिर जीरो मैट्रिक्स जिसे शून्य मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह क्या होता है, सिंपल सी बात है, शून्य आव्यूह होता क्या है, शून्य आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब क्या हो गया, ऐसा आव्यूह जिसके अंदर प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, समझ में आ रहा है, ऐसा अवयव जिसके अंदर प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, यही तो होगा जीरो मैट्रिक्स। तो देखो, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब जो डेफिनेशन है वो नाम से इंडिकेट हो रही है। जैसे मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम के ना कॉलम से स्पष्ट हो रही है। मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैं बात करता हूँ रो मैट्रिक्स, तो रो से नाम से पंक्ति से स्पष्ट हो रही है। तो नाम में ही आपकी डेफिनेशन छुपी हुई है, यदि आप लोग ध्यान से सुनो तो। तो शून्य मैट्रिक्स क्या हो गई, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। अब उसको जीरो से शो करते हैं ना, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे जीरो 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 जीरो। अब आप जानते हो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हो गई, टू क्रॉस टू की शून्य मैट्रिक्स हो गई ना। यदि यही चीज़ तीन में लूँ मैं, तो देखिए जीरो 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 जीरो, इसे पढ़िए थ्री क्रॉस थ्री, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो शून्य मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने देखा कि अच्छे से, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स होगा। बोलो भाई, रो मैट्रिक्स आपको समझ में आया, कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आया, और फिर नल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। परिभाषाओं को धीरे धीरे आपको पढ़ना है, ध्यान से सुन लेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ इस बात को, जिससे क्या होता है सबसे बड़ा, तो कि आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और डाउट नहीं रहेगा। एक तो सबसे बेकार आदत क्या होती है बच्चों की, वो होती है सुनो कि जल्दबाजी करते हैं, जब पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसमें भी जल्दबाजी कर रहे हैं। क्योंकि यदि फर्स्ट टाइम आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। अब कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया, तो जब आप दोबारा भी उसका रिवीजन करते हो, तो आपको बिल्कुल यूं ही क्लियर हो जाएगा। अब कई डाउट ऐसे छोड़ के चले जाते हो जल्दबाजी में, और फिर दोबारा पढ़ते हो तो फिर दिक्कतें आती है। जो अभी क्लियर होगा वो सेकेंड टाइम में क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना, जो अभी का डाउट रह गया। तो अभी पूरी तरीके से आप लोग फोकस करें अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने बोली, जिनमें सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने बोली, थोड़ा सा दिमाग में वापस रिवाइज कीजिए, रो मैट्रिक्स। फिर मैंने बोली, जिसे हम रो को क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्ति आव्यूह। दूसरा मैंने बोला यहां पर बच्चों, वो बोला कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। और तीसरा हमारे पास बच्चों क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल रखा है। ये पूरी की पूरी परिभाषाएं मैंने आपको बताई और ये दिमाग में आप लोगों ने रखी, ठीक है भाई बच्चों। अब आगे बढ़ू मैं, तो देखिए भाई, और एक और बात मैं आपसे कह दूं, कॉपी ऐसी बनाएं जिसमें लगभग लगभग ये मानो कि एक पार्ट पूरा आ जाए। एक पार्ट का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो ना, इसमें मैथमेटिक्स में दो बुक है आपकी, ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो एक बुक पूरा मैटर आ जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक की एक कॉपी,
तो अलग अलग बिखर जाएगी कॉपियाँ, जब आप तैयारी करते हो तो ढूंढते रहते हो फिर कॉपियों को। तो एक कॉपी बनाए, थोड़ी मोटी ले ले कॉपी, तो उससे क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो एक कॉपी में रहे, तो आप लोगों को पता भी रहे। और दूसरा एक और चीज़ होती है कि जैसे आपने जिस कॉपी को बनाया है उसके साथ एक छोटी कॉपी और बनानी है जो एक रफ वर्क के लिए काम आएगा आपका। रफ के लिए क्या करोगे, उसके लिए ऐसा है कि जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो पॉसिबिलिटी तो ये रखो 90% की गलती होने की चांस ही ना रहे उस कॉपी में। फिर भी मान लो ऐसी कोई कैलकुलेशन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, तो फिर आप उसको सोल्व करके देखो, उसके बाद ही उस कॉपी में लिखो। ऐसा नहीं कि उसी को कचरा बना रखा है आपने, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नोट्स बनाने तो तरीके से बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ, ये बातें मैंने रिपीट कर दी थी आप लोगों के सामने। अब देखिए अगला डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होती है विकर्ण मैट्रिक्स? और सॉरी, एक काम करते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स से पहले हम बात करेंगे किसकी, विकर्ण मैट्रिक्स से पहले बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, वर्ग मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? वर्ग मैट्रिक्स इसके बारे में बात करते हैं, आराम से ध्यान दें। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है, सुनो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो जाए, पंक्ति और स्तंभ उनकी संख्या क्या हो जाए, बराबर, तो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। देखो क्या लिखूंगा मैं बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। बात समझ रहे हो आप लोग? वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर सी बात है। अब इसको मैथमेटिकल में लिखता हूं, देखो यहां पर, अर्थात कोई मैट्रिक्स है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है आपकी ए आई जे एम क्रॉस एन, एक वर्ग आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा जब m बराबर n हो। बात समझ रहे होंगे आप लोग। एक जनरल मैंने लिख दिया कि कोई मैट्रिक्स है आपकी, और ए आई जे का मतलब होता है कि आप वैल्यू रखते जाओगे तो वो एलिमेंट आ जाता है ना, जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। यदि क्या हो कि वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है? वर्ग मैट्रिक्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल आप लोगों के सामने देता हूं मैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए। बच्चों यहां पर देखोगे एग्जांपल, ये ए है, 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, पहले तो इसका क्रम क्या होगा, कितने स्तंभ है, कितनी पंक्तियां है? पहले पंक्तियां देखोगे ना बच्चों, पहले पंक्ति आती है क्रम में, ध्यान रखना। तो m क्रॉस n लिखा जाता है, हमेशा याद रखना क्या लिखा जाएगा, m क्रॉस n। m हमेशा ध्यान रखना किसको इंडिकेट कर रहा है, पंक्ति को। n किसको इंडिकेट कर रहा है, स्तंभ को। बात समझ रहे हो? तो बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, दिख रही होगी, 1 2, तो कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, दिखाई दे रहा होगा। एक चीज बताओ आप लोग, इसको उठा देता हूं मैं, बताओ आप लोगों के सामने है m बराबर भी 2 है और n बराबर भी 2 है, दिख रहा है? बोलो क्या बोला मैंने आप लोगों से, पता है क्या मैंने ये बोला? परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा ये कह रही है कि यदि किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, यदि किसी आव्यूह के अंदर क्या हो जाए बच्चों, पंक्ति और स्तंभ यदि बराबर हो जाए ना, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है आपकी? वर्ग आव्यूह होता है।
तो बताओ इसके अंदर क्या है, पंक्ति भी दो है और स्तंभ भी दो है, तो कौन सी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई ना, वर्ग आव्यूह हो गई कि नहीं हो गई। तो परिभाषा समझ में आई होगी आपको, परिभाषा यही कहती है देखो कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, बराबर, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, आपका वर्ग आव्यूह बन जाता है। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को। लिखने की टेंशन बिल्कुल ना करें, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, नोट्स से दिए जाएंगे, और वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ आप एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है अपना वो भी डाउनलोड कर लें, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है अपना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लें। अभी उस पर नहीं किया गया कुछ भी सबमिट, लेकिन आपको नोट्स वगैरह सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब उसी में मिलेगा आपको, ठीक है, तो उस पर भी ज्वाइन रहें आप लोग, ठीक है बच्चों। तो बताओ भाई आपको समझ में आ गया होगा, और वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए एक बार, बताइए है क्या क्लियर। भाई देखो आप लोग सोचोगे तो माना जाएगा क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि एक ही बात को पकड़ना है, एक ही चीज़ को पकड़ना है आप लोगों को, पंक्ति और स्तंभ, और यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर तो वर्ग आव्यूह, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या इस टाइप्स पढ़ने में, कोई दिक्कत हो तो बता दो, बाकी तो देखो अपन चल ही रहे हैं, इसको शॉर्ट लो आप तो ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं ले सकते, ऐसा अपन नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसके बाद सुनो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं, ये लो। अब आता है हमारे पास विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, जैसे डायगोनल बोलते हैं अपन, विकर्ण आव्यूह। क्या होता है विकर्ण आव्यूह वो सुनिए, कतई टेंशन नहीं है विकर्ण आव्यूह, इस जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात भी ध्यान रखना, कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या बन जाता है आपका, विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे समझो एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चों, ए बराबर दो तीन सॉरी देखो दो जीरो 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 तीन जीरो 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 चार। अब आप ये बताओ 3x3 की मैट्रिक्स है कि नहीं है, पहले तो ये बात बता दो आप लोग कि वर्ग मैट्रिक्स है कि नहीं है, है, क्यों है वर्ग मैट्रिक्स, पहचान में आ रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा होगा आप लोगों को, पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, अरे बराबर है ना पंक्ति और स्तंभ, इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, ये तो विकर्ण मैट्रिक्स हो गई इसका मतलब। अब उस विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण का मतलब समझते हो, ये वाला विकर्ण, ये इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। अब आप देखो इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं, यही तो परिभाषा निकल के आ रही है आप लोगों के सामने कि कोई भी वर्ग मतलब कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विकर्ण मैट्रिक्स। बोलो भाई जोश में हो ना, अरे पढ़ाई करो,
अरे जब सबसे अच्छा काम पढ़ना ही होता है, सबसे अच्छा काम पढ़ना होता है। आप देख लो चाहे कोई सा भी काम करोगे, आप उसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है इसमें, कुर्सी पे या आप जहाँ भी बैठे हो आराम से बैठते हो और फिर पढ़ाई करते हो, बाद में पता चलेगा सबसे अच्छा काम पढ़ना है कि नहीं है जब आप मेहनत करोगे। अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो ऐसा लगता है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बोर, ऐसा लगता है बहुत बहुत विकट काम कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है। और यही आपकी लाइफ भी सुधारेगी, एजुकेशन बहुत कुछ आप में चेंजेस करेगी। तो इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई करें और पूरा फोकस करें। 12th ऐसी क्लास होती है जिससे आप फ्यूचर की तरफ बढ़ते हो आगे ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ से ही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है कि क्या करना है। जैसे ही तुम 12th पास हुए वैसे ही आधा टाइम तो, आधा कंसेप्ट तो आपकी लाइफ का वो 12th की परसेंटेज इंडिकेट कर देती है। जैसे ही बच्चे की परसेंटेज देखी 90 90 क्रॉस, तो उसके लिए बड़ी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, चाहे पैसा है चाहे ना है। आज के पेरेंट्स पता है आप लोगों के लिए, आप लोगों की एजुकेशन के लिए नहीं सोचते कि पैसा भी है या नहीं है। यदि बच्चे का PMT में हो रहा है तो वो PMT की ही तैयारी करवाएंगे। जैसे मान लो उनको पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो तैयार कर सकते हैं, जैसे अच्छी परसेंटेज बनी है मान लो, तो कौन चाहेगा नहीं कि उसकी तैयारी करवाए, JEE की नहीं तैयारी करवाए, हो सकता है JEE की तैयारी करवा दे। तो पेरेंट्स से एजुकेशन में कहीं भी कंजूसी का काम ही नहीं है, जितना सामर्थ्य है उससे भी ज़्यादा आप लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब आपका काम होता है पढ़ना, और 12th का काम ऐसा है कि 12th ही आपको सब कुछ सिखाएगा। यदि मान लो कोई 12th के साथ तैयारी नहीं कर रहा है JEE की, तो ये सोच के चलो आप लोग कि 12th ही बेस रहेगा आपका पूरा। जब आप तैयारी करोगे ना तो ये बेस आपको काम देगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसलिए आप लोग 12th के एक 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 बारीक से बारीक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। और मैं बोला था आपको पार्ट बी में जो आपका टॉपिक होगा उससे एडवांस क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको समझाया भी जाएगा, तो वो भी आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे हम, आगे बढ़ जाते हैं। बताओ भाई क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से ये है कि आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा विकर्ण मैट्रिक्स, और विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में हमने कुछ देखा तो कुछ टाइप पढ़े हमने, कल आगे के टाइप्स हम पढ़ेंगे। और ये क्लास लेने के बाद आपने नोट्स बना लिए उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना, कल की क्लास के लिए जब आओ पहले बैठो उससे पहले अपने नोट्स को एक रिविज़न ज़रूर करें, क्योंकि आप ऐसे चलो कि हमें भूलना नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते हुए चलना है। जैसे जैसे डेली की क्लासे ऐड होती जाती है वैसे वैसे आपका पढ़ना साथ साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पढ़ा अब उसको छोड़ दिया फिर कल दूसरे को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। और किसी भी ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो एक फिक्स कर लो उसी टीचर को फॉलो करो, ऐसा नहीं कभी किसको कभी किसके किसके लेक्चर ले रहे हो कभी कहाँ पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में फिक्स कर लो कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है और हमें इसको इन टीचरों को साल भर फॉलो करना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर किया करो अपने दोस्तों में, और यदि आपको लगता है कुछ तो आप लाइक और कमेंट भी किया करो, ठीक है बच्चों। और आपको पता है इसी चैनल पर आपको पता है फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है सभी चीज़ें चलेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर टेंशन नहीं करनी, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए और आज के लिए इतना ही है, और स्वस्थ रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है कि शरीर यदि स्वस्थ है तो आप समझ सकते हो पढ़ाई में मन लगता है, और इसके लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए। सुबह जब उठते हो आप लोग, उठ कर के ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा भी नहीं मान सकते तो 15 से 20 मिनट आपकी पूर्व एक्सरसाइज होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए। उसमें आप कुछ भी कर लो, प्राणायाम कर लो या आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, ये सारे दिन का एक देखें तो एनर्जी का काम रहता है, ठीक है। तो आज का लिए आप लोग ये भी करें कि अपनी लाइफ अपना रूटीन डेली का वो बदले और अब पढ़ाई में लग जाए बड़े जोश के साथ। कुछ नहीं दिखाई देगा केवल एक पढ़ाई दिखाई दे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।